जी, क्या हाल चाल? गुड इवनिंग। हाँ जी, ओके। जी हाँ, ये पहली बार मैं आईफा आ रही हूँ एंड इट्स अ वेरी सरियल फीलिंग, क्योंकि हम हमेशा टीवी पे देखते थे कि आईफा हो रहा है एंड आई नेवर यूज टू मिस आईफा एंड नाइट नाउ आई एम वॉकिंग द ग्रीन कार्पेट एंड इट फील्स लाइक अ ड्रीम नाउ। सो आई एम रियली रियली हैप्पी राइट नाउ, आई एम रियली ग्रेटफुल। हाँ जी, आई रियली वॉन्ट टू एंजॉय द नाइट, आई एम हियर टू जस्ट एंजॉय द नाइट, एंजॉय ऑल द परफॉर्मेंसेज। इट्स माई फर्स्ट टाइम एट आईफा एंड आई जस्ट वॉन्ट हैव अ ब्लास्ट। जी 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 डेफिनेटली आई थिंक वी शुड जस्ट स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक बॉटल्स। मैं खुद अपनी स्टील की बॉटल कैरी करती हूँ अपने साथ व्हेनेवर आई ट्रैवल, बी इट शूट, बी इट माई जिम, एनीवेयर। सो अगर हम एक एक इंसान भी ये इनिशिएटिव लेगा तो हमारे एनवायरनमेंट पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। एंड मैं अभी एक बीच ड्राइव पे भी गई थी जहाँ पर मैंने वी जस्ट क्लीन अप द बीच एंड उसमें 90% प्लास्टिक था। सो इट रियली रियली ब्रेक्स माई हार्ट। सो इफ वी कैन ऑल टेक दिस इनिशिएटिव ऑफ नॉट यूजिंग प्लास्टिक एट ऑल। जी जी, यू नो आरे जो है वो एक्चुअली लंग्स है हमारे बॉम्बे के एंड आई रियली इट ब्रेक्स माई हार्ट टू हियर दिस न्यूज़ एंड आई एम रियली 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 डिसअपॉइंटेड एंड आई एम रियली सैडन बाय दिस न्यूज़। बट वी स्टिल फाइटिंग, आई थिंक वी ऑल आर स्टैंडिंग अप, वी गो देयर एंड वी प्रोटेस्टिंग। आई जस्ट होप समथिंग वर्क्स आउट एंड यू नो दिस थिंग इज अवॉइडेड इन सम वे और द अदर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी हमारी शूट ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है अंग्रेजी मीडियम की एंड आई जस्ट कांट वेट फॉर ऑल ऑफ यू टू सी द फिल्म। आई एम वेरी एक्साइटेड, इट्स अ रियली रियली स्पेशल प्रोजेक्ट फॉर मी एंड ऑल ऑफ अस एंड होपफुली आई वी गेट टू शो यू समथिंग वेरी सून, इधर अ पोस्टर और ट्रेलर और एनीथिंग। थैंक यू, थैंक यू, हैव अ ग्रेट नाइट गाइस। यार देखो, मुझे लगा कि कुछ ऐसा पहन जाऊं जो आवाज़ दे, ये जो है आई रियली डोंट नो यार व्हाट स्टक माय माइंड, आई थॉट आई शुड वेयर समथिंग डिफरेंट, तो बस मेरा मन किया मैंने पहन लिया। सो आज नहीं, 18th को मी एंड आयुष वेयर होस्टिंग मेन आईफा, सो आई थिंक रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। काफ़ी टाइम्स हम सोच रहे थे कि किस चीज़ पे कोलैबोरेट करें एक साथ, सो and collaborating with Ayush on the big stage, hosting the show together will be amazing. Yeah, I think you work out hard throughout the year and you know, apart from the love you get from the audience, which is the biggest, awards bhi usi tarah aapko you know khushi dete hain and you just feel, you know, it's quite gratifying. You aapko lagta hai ki there are people who are liking your performance, people who, you know, whom you have you've touched their hearts through your performance. So yeah, I mean, of course winning an award is always
quite a cherry on the cake after a successful film. Dream Girl dekhi, of course dekhi Dream Girl yaar. 45 crore ki opening hai weekend ki yaar, aise I can't be more polite about it. Aur I think bahut hi acche reviews and bahut achi feedback and bahut achi audience reaction. When I was watching the film, the entire audience was in splits and I think काफी ज़्यादा धमाकेदार एंट्री हुई है इस फिल्म की. गुड इवनिंग सर, नमस्कार, कैसे हैं आप? छोड़, आप ही ने बोला था यार, आप ही के मुंह में घी शक्कर. एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट. आई होप इट रीचेज वेर एवर इट रीचेज. एवरी वन हैज वर्क रियली हार्ड ऑन द फिल्म. आयुष भैया, नुसरत, अभिषेक बैनर्जी, मंजोत, राज चांडिल्य, Ekta, Ruchika, everybody has, you know, worked really hard on the film, the music, Meet Brothers, everybody. I think the entire team, bahut zyada, they were together in it. So congratulations to the entire team for such an amazing response. जी, आज फैशन शो है तो आई विल बी वॉकिंग फॉर शांतनु निखिल. सो अभी जाकर उनका आउटफिट पहनूंगा. ये उनका आउटफिट नहीं है. सो या वी लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट इज़ वेल. यार, फ्रॉम बैन ऑन प्लास्टिक टू वाटर कंजर्वेशन, आई थिंक वी रियली नीड टू टेक केयर ऑफ द एनवायरमेंट. एंड ज़्यादा दूर नहीं है जब चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाएंगी. And you know, we as you know, public figures really need to put our act together and really help to kind of, you know, bring about a change. It's high. यार, of course, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ पेड़ काटने पे ही नहीं, हर एक चीज़ पे यार, noise pollution and जहाँ पे भी आपको, you know, use of plastic and काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए, जो हमें पर्यावरण के लिए करनी है. एंड आई थिंक इट्स ओनली बेटर फॉर अस एंड जनरेशन टू कम. जी सर, कुछ पूछ रहे थे आप? हो गया, ओके, यही पूछ रहे ना. यार, जो वन नेशन वन लैंग्वेज कह रहे हैं, आई थिंक म्यूजिक फिल्म ये एक ही लैंग्वेज है जो हमारे देश को कनेक्ट करती है. So yeah, we already have one language. So having said that, har ek ka ek apna viewpoint rahega us pe, and I don't think this is the right, you know, stage to comment on that, especially when I don't know the, you know, facts correctly. So but yeah, having said that, I mean, I'm really proud of you know, knowing various languages. And jab bhi main alag alag kirdar nibhane jata hu, koshish karta hu ki un languages ko bhi achhi tarah main seekhne ki koshish karu. And I have a thing for languages and I love doing that. But ये एक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, टू नॉट अ राइट स्टेज टू काइंड ऑफ कमेंट ऑन दैट. या थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू. और जसी पाली हाँ जी, नमस्ते, सत श्री अकाल सर. हम हाय भाजी, कैसे हैं? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. मैं पहली बार आईफा पे आया हूँ और पहली बार ही परफॉर्म कर रहा हूँ और पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. ये सबसे स्पेशल चीज़ है मेरे लिए. और मैं और बी प्राक भाजी आए हैं परफॉर्म करने, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. बहुत अच्छा फील करता हूँ कि स्पेशली पंजाबी म्यूज़िक आज के टाइम पे अकेले पंजाब में नहीं सुना जाता, और पंजाबी म्यूज़िक ऐसा हो चुका है कि पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में सुना जाता है. तो हमारे लिए बहुत
बड़ी और अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये चीज़ की कि हम अच्छा म्यूज़िक बनाएं जो हम पंजाब को रिप्रेजेंट करते हैं और पंजाबी म्यूज़िक को ऐसी जगह पे लेके जाएं जहाँ पे उसको कोई पहचान की ज़रूरत ना रहे। सच्ची सच्ची दस मैं तो की ही पाड़दा गड्डी च गुलाब चकी फिरदा गुलाब नहीं हो कल्ला तेरे पिछे गोरिए मैं तो सिर ते पंजाब चकी फिरदा ओ कुड़ियां दे कोके मिलदे टुट पैणे हो वे तेरी जगवार चोनी तक तक तेनू गोरिए निकले करंट तेरे यार चो जुत्ती थले रख दी मित्रां दे दिल नू लगदा जान दी नी हल्ले जसी गिल नू